बहुत शुक्रिया इनका कि वो आए हैं अपने दिल की बात से बता रहे हैं। हमारे प्लेयर्स काफ़ी खुश हैं टीम के मुझे बता दें गोंडी फुटबॉल ग्राउंड से मैं हूं न्यूज एंड व्यूज टीवी उस्ताद अजमतुल्ला खान। आज यहां पर गोंडी प्रीमियर लीग का बिग फाइनल मैच होने जा रहा है। इस वक्त असगर 11 और अली 11 दोनों टीमें मैच के लिए तैयार खड़ी हैं और इस वक्त दोनों टीमों के कप्तान मेरे साथ खड़े हैं। इनसे ज़ारे ख्याल करते हैं कि आज के मैच के लिए इन्होंने क्या हिकमत अमली की है। अस्सलामु अलैकुम असगर शाह जी, आपने क्या हिकमत अमली इख्तियार की है आज के फाइनल के लिए? वालेकुम अस्सलाम, हम सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अटैक किया, और हमारी स्ट्रेटजी पहले तो ये होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन पर अटैक डालकर प्रेशर में इनको डालें ताकि ये कन्फ्यूज हो और हम अपना मौका पाए। ज़बरदस्त, बेस्ट ऑफ लक अली 11, तो आपने इनकी हिकमत अमली जान ली कि ये तो अटैक की पोजीशन में है, तो आप क्या हिकमत अमली रखते हैं? सबसे पहले मेरी तरफ से भी आपको शुक्रिया कि आपने हमें कीमती वक्त से निकाला। हमारी भी कोशिश होगी जल्दी गोल करें ताकि दूसरी टीम पे प्रेशर डालें और बेहतर गेम करने की कोशिश करेंगे, अच्छा डिफेंड करेंगे, अच्छा अटैक करेंगे, तमाम लोगों के लिए अच्छी गेम पेश करेंगे। नाज़रीन, आपने देखा दोनों प्लेयर्स ने अपनी हिकमत अमली का इजहार किया कि दोनों अटैक की पोजीशन में हैं, डिफेंड भी करेंगे। आइए देखते हैं कि आज की लक किसके नाम रहती है, आज की फातिहा कौन पाती है। तो इस वक्त रेफरी वो अच्छा मौका कि अली के पास बॉल है, अच्छा पास किया बट रेफरी ने फाउल करार दे दिया। साथ किक करेंगे फाउल बॉल को और अच्छी किक हेड किया अली ने, तो कीर शाह निकलने की कोशिश कर रहे हैं और अली 11 का अच्छा मौका और ये अच्छा डिफेंस किया असगर 11 ने। ठीक
कोच के पास बॉल है और कीपर ने अच्छी तरह से उसे डिफेंस किया। आज का फाइनल असगर 11 और अली 11 के दरमियान जारी है। अली 11 को थ्रो मिला है, नुमान थ्रो कर रहे हैं। ताहिर के पास बॉल है, अली 11 को बहुत ही अच्छे मौके मिल रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है ये हवा की वजह से मौके गवा रहे हैं। अच्छा मौका था लेकिन कंट्रोल नहीं कर सके फहीम। हम आने वाले तमाम शायकीन को खुश आमदीद करते हैं और मेहमान खसूसी को भी खुश आमदीद कहते हैं दिल की गहराइयों से। अजगर के पास बाल है, उनके लिए अच्छा मौका है और उनको मिल गई है फ्री किक, फाउल कर दिया। मजी सामीन, हम मौजूद है गुंडी फुटबॉल स्टेडियम में और इस वक्त जारी है गुंडी प्रीमियर लीग का फाइनल मैच, जो कि अली 11 और असगर 11 के दरमियान इस वक्त दूसरा हाफ जारी है और दोनों टीमें भरपूर मुकाबला कर रही हैं। हमारे साथ बतौर चीफ गेस्ट मौजूद हैं इलाका गुंडी, इलाका तरी खैल के, मैं अगर खेलों के बादशाह कहूँ, स्पोर्ट्समैन, चाहे वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, आपका नाम है गुंडी के अंदर, आप हमेशा स्पोर्ट्स इवेंट के न सिर्फ ऑर्गेनाइजर रहे बल्कि एक बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर अपनी खेल का मुजाहरा भी किया। तो मेरे साथ मौजूद हैं गुंडी की मारूफ शख्सियत मोहतरम सरदार शाह साहब और एजुकेशन से वाबस्ता पाक आर्मी से बतौर रिटायर आर्नरी कैप्टन सर मीर अब्दुल्ला खान, जो कि आज के इस फाइनल मैच के चीफ गेस्ट हैं। तो आइए आज के इस मैच के बारे में दोनों मेहमान शख्सियत से तसरात लेते हैं कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं और इस इवेंट को कैसा देख रहे हैं। सर शाह जी अस्सलाम वालेकुम, इस मैच के बारे में क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह असमतुल्ला भाई जान, बहुत खूब मिशन ही है बच्चों का कि इन्हें को इस किस्म की तरबियत दी वे ताकि हर बुरे फेर तो बच के बच वन और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। क्योंकि मैच के हवाले पूछा है, मेरी भी जिंदगी कम अज बेश 36 साल 38 साल इस गेम के गुजरी है, होश संभाले तो गेम की थी और माशाल्लाह उसकी जात पाक का बड़ा एहसान है कि
मुल्क पाकिस्तान के क्वेटा तो लेके कराची तक, कराची तो लेके खैबर तक कोई जगह ही नहीं जिते अस कबड्डी ना खेले या वॉलीबॉल ना खेले। और अल्लाह पाक ने इज्जत दी रिटायरमेंट तो बाद गेम की रिटायरमेंट तो बाद भी असें रिटायरमेंट नहीं छोड़ी। इस वास्ते नहीं छोड़ी कि अगर एक चीज़ अस अच्छी साबित करने तो वह सारा काम है वो बच्चों तक पहुँचा। मैं क्लब बनाए तो सामने मैं कितना बेपनाह खर्चा किया है और ये जेडे क्लब बनते अशूर हैं तुम्हारे को जितने भी जिले मियाँ वाली दिल से एक हूंडी दे नहीं जिले मियाँ वाली चाहे इस टाइम दौद खैर थी नहीं पी चाहे मियाँ वाली थी नहीं ये सारे सारा पौधा लगा हुआ है। क्लब ट्रेंड को आपने मेरे इस टाइम ही क्लब मौजूद है 3165 SGN मेरे क्लास का नंबर है DCO IGC मियाँ का मैं किस टाइम भी जेड़ी जात जेड़ी गेम ही करावा मैंने गवर्नमेंट इस टाइम अथराइजेशन दी हुई है आर्डर मेरे को मौजूद हैं। अच्छा तो दे, क्या देखते हैं आज कौन सी टीम मैच जीते? आज मैच बड़ा जबरदस्त है बच्चे यंग बच्चे हैं ये समर है ना जी इन्हें बड़ी सेहत है इस दिन कितनी सर्दी है कि मैं खुद कार बन बैठा सर्दी तो कुर्सी तो ना बह सकता लेकिन एक ये वक्त सर्दी भी है ये तो पाई ना खाली कच्छा दे कोई शेड कौन आई कोई वो कौन आई तो इन यार ना इस निज़ाम को हो रहे बहुत अच्छा मैच है और बच्चे बड़े यंग बच्चे और इंशाल्लाह आगे बढ़ के मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन जरूर कर सकते जी इंशाल्लाह जरूर स्पोर्ट्स के अंदर ये नाम कमाकर आज अपने इलाके में खेल रहे हैं कल अच्छा खेल का मुजाहरा करते हुए। सर मीर अब्दुल्ला खान मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप फाइनल मैच देख रहे हैं दोनों टीमों का खेल आपके सामने है तो क्या कहेंगे कौन सी टीम आपको नज़र आ रही है कि आज की चैंपियन होगी? आज का मैच जो है इंतहाई रहा है दोनों सब कोशिश कर रही हैं कि वो सबका हासिल करें टेक्निक जो है बहुत अच्छी है मैंने बड़े बड़े मैच देखे हैं इंटरनेशनल मैच भी देखे हैं रूल एंड रेगुलेशन जानता हूँ ये जो टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं ना दोनों जैसे ऐसे अप्लाई कर रहे हैं जैसे किसी खास कोच ने जो है ना ट्रेनिंग दी हो इनकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी है स्टैमिना बहुत अच्छा है और जिस शानदार तरीके से ये खेल रही हैं कोई पता नहीं है इंशाल्लाह ये दोनों बहुत अच्छा खेल पेश करेंगे और कोई अभी तक नहीं कहा जा सकता कि कौन सी टीम फाइनल जीतेगी वो के अली हैदर की टीम ने एक गोल कर लिया हुआ है लेकिन जिस शानदार तरीके से दूसरी टीम जो है वो अटैक कर रही है लगता है कि वो गोल जरूर बराबर कर लेगी और इनका जो स्टैमिना है या सर लगाने की टेक्निक है या जो भी खेलने का तरीका है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द रूल एंड रेगुलेशन है कोई फाउल नहीं खेल रहे हैं इनमें जोश भी है जज्बा भी है और ये उम्मीद तबीयत भी है उम्मीद ये है कि गुंडी शहर में अगर इसी जोश जज्बा से खेलों के ऊपर काम होता रहा तो ये इंशाल्लाह आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाएंगी और प्रोविंशियल लेवल तक जाएंगी सूबे में जाएंगी और नेशनल लेवल के खिलाड़ी पैदा होंगे जहाँ पर गुंडी शहर इंशाल्लाह। नाजरीन ये थे आप तस्वरात का ख्याल सुन रहे थे कि यकीनन जिस अंदाज से ये खेल रहे हैं जिस जो तरबियत की जा रही है तो कल ये कहीं नाम पैदा करेंगे। ट्रॉफी